जिसे मैंने कहा था ना ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, आपको पहले से पता है, दिमाग नहीं खा पाना, चीजें क्लियर हैं और आपका काम चल गया। और यदि आपको बचपन से ही कुछ चीजें पता है, जैसे हिंदू घरों में बचपन से परवरिश में यह कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है कि जैसे बेटा है उसके लिए कि भाई अपनी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सब बहन हैं, और क्योंकि ये सब बहन हैं इसलिए इनके साथ प्रेम का या विवाह का संबंध संभव नहीं है। और ये बात हिंदू घरों में इतनी क्लियरली समझाई जाती है कि बच्चे आमतौर पर उस तरह की कल्पनाएं या इच्छाएं रखते भी नहीं है। अगर कभी जीवन में एक आध क्षण के लिए इच्छा आ भी जाए तो भी वो सुपर ईगो इतना पावरफुल होता है कि उसको वहीं दबा देता है उस इच्छा को। ये पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई बहन में फिजिकल प्रेम का न होना ये बायोलॉजिकल मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला है और ये इथिकल सिस्टम का मामला है। क्योंकि अगर ये बायोलॉजिकल होता तो बाकी स्पीशीज में भी होता, और बाकी स्पीशीज में ऐसा कोई नियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बाकी स्पीशीज में हर तरह के रिश्ते आपको देख जाएंगे, स्पेशली डॉग्स की दुनिया में देखेंगे तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि जो बच्चा पैदा हुआ है आज से 2-3 साल के बाद वो अपनी माता के साथ दैहिक संबंध में हो। भाई बहन तो बहुत छोटी बात है, इसलिए ध्यान रखना है कि भाई और बहन के बीच में फिजिकल लव न हो, फिजिकल अट्रैक्शन न हो, ये प्राकृतिक मामला नहीं है, ये सीखी हुई चीज है, ये नैतिक मामला है, समाज सिखाता है, मूल्य सीखते हैं हम, प्रतिमान सीखते हैं, और ऐसे नहीं सीखे जाते हैं। पेरेंट्स इस बात का लगातार ध्यान रखते हैं कि किस सीमा तक की इंटरेक्शन होनी चाहिए। जब आप घर से बाहर हैं तो पेरेंट्स नहीं है, पर पूरा समाज ध्यान रखता है इस बात का, स्कूल में टीचर्स ध्यान रखते हैं, दोस्त आपके ध्यान रखते हैं, दोस्त आपस में कितने भी चंचल होंगे इस मूल्य पर हमेशा एक रहेंगे कि इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो पूरा सोशल सेटअप ऐसा है कि हम ये सीखते हैं कि जो बहन है और भाई है उसके प्रेम की मर्यादाएं क्या है। हिंदू घरों में ये मर्यादाएं फुफेरी बहन तक भी जाएंगी, ममेरी, चचेरी, इन बहनों तक भी जाएंगी। मुस्लिम परिवार क्योंकि ये मानते हैं कि अगर एक माँ के बच्चे नहीं है तो उनमें विवाह संबंध हो सकता है, तो वहां फुफेरी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन को लेकर उतनी वर्जनाएं नहीं होंगी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, और वहां अक्सर आप देखेंगे कि फूफा की बेटी से शादी हो जाती है। हिंदू घरों में महाराष्ट्र और उसके नीचे मामा की बेटी से शादी सामान्य रिवाज है, खूब होती है। लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर के जो हिंदू हैं, ऊपर नीचे तो बेकार की बात है क्योंकि ग्लोब कैसा है हमें क्या पता, दिमाग खराब हो जाता है, कश्मीर ऊपर है, कन्याकुमारी नीचे, नीचे छोड़ना है, वो तो नक्शा देखा है ऐसा इसलिए ऊपर नीचे लगता है वैसा, लेकिन वो कंसेप्ट ऐसा बैठ जाता है ना कश्मीर ऊपर है, कश्मीर भारत का सिर नहीं है और कन्याकुमारी पैर नहीं है, और श्रीलंका के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि पैर के नीचे लटके हुए हमारे, नहीं वो ग्लोब को उल्टा कर लेंगे, कहेंगे हम खोपड़ी के ऊपर बैठे तुम्हारी, वो ये भी कह सकते हैं। ये तो केवल सोचने का तरीका है ना, नक्शा आपने कहां से बनाया, आपने बीच में कौन सी रेखा को रखा, इस बात से नक्शा बन जाता है। तो ये बता समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि नक्शे को लेकर बड़ी भ्रांतियां हमें रहती है, हम लोग सच में समझने लगते हैं कि कश्मीर ऊपर है और कन्याकुमारी नीचे है, जबकि कोई ऊपर नीचे है नहीं। बहरहाल